ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड म्यू इज इक्वल टू 0.6 एंड ट्रक इज मूविंग विद एक्सीलेशन 5 m/s² देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक विल बी। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है, जो ब्लॉक है वो ट्रक के ऊपर रखा है उसका मास 1 kg है और फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.6 है और ट्रक 5 m/s² से एक्सीलेट कर रहा है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, ये गिवन m इज इक्वल टू 1 kg और म्यू इज इक्वल टू 0.6, एक्सीलेशन a की वैल्यू 5 m/s² और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ये हम ट्रक बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में ये इस तरह से चल रहा है, इसका एक्सेलेशन दिया गया है a इज इक्वल टू 5 m/s² और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर एक ये हम बैठ के जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे लिए रेस्ट पे हो जाएगा और ये ब्लॉक है, ब्लॉक ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सीलेट कर रहा है तो इस पे जो सूडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ सूडो इसकी वैल्यू होगी एम इन टू ए के इक्वल और फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, इसकी एफ वी डी ड्रॉ करते हैं, एफ वी डी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक पे बैठ के हम देख रहे हैं तो ट्रक के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका एम जी जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, तो ये 1 g हो जाएगा, 1 kg का है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन एफ एस इस डायरेक्शन में लग रहा है और सूडो फोर्स एफ सूडो ये m इंटू ए इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर जब हम बैठ के इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। तो n इज इक्वल टू एम जी यानी 10 N के हो जाएगा और एफ एस जो होगा ये m इंटू ए यानी m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू ये 5 m/s², तो ये 5 पुट करेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी ये एफ एस 5 N हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।